Praise the Lord, dear brothers and sisters, and greetings to all of you, and welcome to this Bible study hour on Wednesday from the Live Spring Assembly. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस बुधवार के शाम बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है, जो कि लाइफ स्प्रिंग असेंबली से किया जा रहा है. I'm sure all of you are benefited by the study of this book, 1 Corinthians. और मेरा विश्वास ये है कि आप में से अधिकतर लोग इस अध्ययन से लाभ उठा रहे हैं, जो कि हम पहले कुरिन्थियों की पत्री से कर रहे हैं. And one blessing of this particular letter of Paul to this church is that there almost every problem that can be faced by the church today are all dealt with this. और इस पत्री की एक विशेषता ये है कि पौलुस प्रेरित ने ऐसे समस्याओं को संबोधित किया है जो आज के वर्तमान कलीसिया में भी पाई जाती हैं. So it is very, very relevant that we understand what Paul is saying by the inspiration of the Holy Spirit. इसीलिए जो बातें पौलुस पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा हमसे कह रहे हैं, वो आज के दिन हमारे और आपके लिए भी उचित हैं. Among the believers also can there be many questions regarding some of these problems, and they are all dealt with this with in this letter. हो सकता है कि कुछ विश्वासियों के मन में कुछ ऐसे प्रश्न उठ खड़े हों बीते दिनों में या आज के दिन, और इन सब विषयों को हम इस पत्री में पाते हैं. सो द प्रेजेंट टॉपिक वी आर कंसिडरिंग इज 1 Corinthians चैप्टर 7 verses 25-40 विच डील्स विद द मैरिजेस. और इस समय में आजकल हम ध्यान दे रहे हैं पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में, विशेषकर 25वें पद से 40वें पद तक, जहां पर पौलुस विवाहित जीवन को लेकर संबोधित कर रहे हैं. एंड प्रेजेंटली वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर ऑफ अनमैरिड क्रिश्चियन एंड वर्जिन्स एंड विडोज. और आज बीते समय में हमने देखा था किस प्रकार से पौलुस अविवाहित मसीहों के विषय में, और साथ में जो कुंवारी हैं और जो विधवा हैं, उनके बातों को लेकर वो संबोधित कर रहे हैं. Apostle Paul says that it is preferable to remain unmarried. पौलुस प्रेरित इस बात को कहते हैं कि भलाई इसमें है कि शादी ना किया जाए. Now he is not telling this to in a general way for everybody. और ये ध्यान में रखिए, ये आदेश नहीं है जो पौलुस हर एक को दे रहा है. Because there are already married people in the church. क्योंकि कलीसिया में पहले से ही विवाहित लोग पाए जाते हैं. And then there are virgins to getting ready to be married. और फिर ऐसे कुंवारी भी हैं जो शादी या विवाह के लिए तैयारी कर रहे हैं. And then there is another group who are widows and widowers. और वहाँ दूसरी ओर एक और समूह है जो विधवा कहलाते हैं. एंड सो बिकॉज ऑफ द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, पॉल रेकमेंडेड इट इज बेटर दैट वी रिमेन अनमैरिड. तो उन दिनों में जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा था, उन दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां पाई गईं जिसके वजह से पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि भलाई इसमें होगी कि जो अविवाहित हैं वो शादी ना करें. एंड पॉल गिव्स मेनली 4 रीजंस व्हाई रिमेनिंग अनमैरिड इज प्रेफरेबल. और इस बात के लिए पौलुस 4 कारण देते हैं कि क्यों जो अविवाहित हैं वो शादी ना करें. ऑफ दिस वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड 3. और उन चारों में से हम 3 को देख चुके हैं. एंड लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस. नंबर 1 वाज कंसिडर द प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड. और मैं एक बार केवल आपके सामने चारों बातों को रखना चाहता हूँ. पहला ये था कि उस समय में जो संसार में वर्तमान समय में जो समस्या थी, गंभीर समस्या थी, उसको ध्यान में रखते हुए. एंड स्पेशली टेरिबल पर्सिक्यूशन
faced by the church. विशेषकर जो गंभीर सताव कलीसिया पर आ चुकी थी उस समय. So that could be one circumstance. हो सकता है वो सताव को लेकर पौलुस इस बात को कह रहा हो. And in any case, the present prevailing circumstances will not be a good thing for people to be married and expect to remain together. तो क्योंकि उस समय का वर्तमान गंभीर स्थिति को देखते हुए भलाई इसमें थी कि जो अविवाहित है वो शादी ना करे ताकि कोई समस्या का सामना ना करना पड़े. No doubt the Corinthians at that time were facing terrible pressures, a crisis. और ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय में जो कुरिंथ के जो विश्वासी थे वो वर्तमान समय में बहुत दबाव का अनुभव कर रहे थे. So Paul is saying it is better for believers to remain in their present marital condition. तो पौलुस कहते हैं जो अभी तुम्हारी स्थिति है अर्थात अविवाहित स्थिति, वो कहता है उसी स्थिति में बने रहो वो बेहतर है. Which means, जिसका अर्थ ये if a believer is single, remain single. यदि एक विश्वासी अकेला है अविवाहित है वो वैसा ही रहे. And if a believer is married, remain faithful. और यदि एक विश्वासी विवाहित है या विवाह कर चुका है तो फिर वो उस स्थिति में बना रहे और अपने साथी के प्रति विश्वास योग्य रहे. एंड सो द सेकंड थिंग पॉल सेज इज दैट मैरिज इज नॉर्मल. और इसी बात में दूसरी बात को सामने रखते हुए पौलुस कहता है विवाह एक आम बात है. सो द सेकंड रीजन पॉल इज कंसीडरिंग दिस इज नॉट ओनली द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस बट आल्सो one must know that time is very short. तो पहले बात के बाद पौलुस दूसरे कारण देते हुए इस बात को कहता है कि समय छोटा है इसीलिए जिस स्थिति में हो उसी में बने रहो. Why do we say this? ये उसने ऐसा क्यों कहा? Number one, the brevity of life. Then considering the brevity of life, no one knows how long one person will remain. पहली बात जीवन कितना छोटा है ये कोई नहीं जानता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए भलाई इसमें है कि अकेले हो तो अकेले ही रहो. Secondly, the assurance that the return of the Lord Jesus Christ can take place anytime. और एक और बात ये थी कि उन दिनों में उनका विश्वास ये था कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है तो इसीलिए समय बहुत ही कम है. And the third reason was be without anxiety and distressing care. तो दो कारणों के बाद तीसरा कारण जो पौलुस रखता है वो कहता है कि भलाई इसमें है कि बिना किसी चिंता के रहो या फिर ऐसे बात में उलझो जो मन को बहुत ही तनाव में रखे. And so today we shall go into the fourth reason. तो आज के दिन हम चौथे कारण में चलेंगे. Which is fourth reason for remaining unmarried is to give undivided devotion to the Lord. चौथा कारण कि पौलुस कहता है कि अविवाहित व्यक्ति विवाह ना करे वो कारण ये है कि उससे ये होगा कि एक व्यक्ति परमेश्वर या प्रभु के प्रति जो सेवा करना चाहता है वो पूरे मन से कर सके और लगन के साथ कर सके. Now, Paul here re-emphasizes that he is speaking for the believer's own good. और यहाँ पर पौलुस इस बात पर जोर देता है कि जो कारण मैं दे रहा हूँ ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है. So he was more thinking of their welfare and good. तो पौलुस उन विश्वासियों के भलाई को ध्यान में रखते हुए इन बातों को कह रहा है. In other words, he is not trying to set up or cast a snare or undue restraints upon them. दूसरे शब्दों में पौलुस ऐसा नहीं कर रहा था कि लोगों को किसी जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा था या फायदा उठा रहा था, लेकिन
चिंता के कारण उसने ऐसी बात को सामने रखी। He had no right or reason to restrict their freedom to marry. क्योंकि पौलुस के पास ये अधिकार नहीं था कि यदि कोई व्यक्ति एक निर्णय ले शादी करने के लिए तो उस निर्णय पर वो कब्जा करे। So they could marry if they so desired. तो यदि एक विश्वासी विवाह करना चाहे वो कर सकता था। And he was only interested in telling them what was the right thing to do in certain circumstances. पौलुस केवल इस बात को उनके ध्यान में लाना चाह रहा था कि उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित बात कौन सी होगी। And helping them to understand what would bring the best order to their lives. और ताकि वो विश्वासी ये समझने पाए कौन सी वो बातें हैं जो उनके जीवन शैली में एक संतुलन को बनाए रखे। But the one thing they must watch out was walking into marriage unprepared. लेकिन एक बात जो हर एक को ध्यान में रखना था वो ये था, यदि कोई निर्णय ले शादी करने के लिए तो बिना तैयारी के वो उसमें प्रवेश ना करे। Not knowing what was involved in marriage. ये ना जानते हुए कि शादीशुदा जीवन में कौन कौन सी बातें हैं जो महत्व रखती हैं। There is one supreme reason for remaining single. अकेले रहने का केवल एक मुख्य कारण है। Which is more advantageous. और इसमें फायदा ही दिखाई देती है। And that is a single believer can live in a right way, undivided devotion to the Lord. In undivided devotion to the Lord. और वो ये है कि एक अकेला विश्वासी जो वैवाहिक जीवन के बोझ से ना दबा हुआ हो, वो अपने प्रभु के प्रति बिना ध्यान भटकाए पूरे लगन से प्रभु की सेवा में लग सकता है। It is so important to have an undivided heart, undivided attention be given to the Lord's work. ये बहुत जरूरी है कि जब प्रभु की सेवा की बात आती है तो उस सेवा को करने के लिए हमारा ध्यान बटा होना नहीं चाहिए, हमारा कार्य पूरे लगन से होना चाहिए। That the teacher and his teaching will be more effective and bring more lasting results. ताकि जो शिक्षक अपनी शिक्षा को दे रहा है वो बहुत प्रभावशाली रीति से दे सकता है। A married family man will have to live a divided attention between the Lord and his family. एक वैवाहिक व्यक्ति जब अपने जीवन को जी रहा है या सेवा कर रहा हो प्रभु के लिए तो फिर उसका ध्यान दो तरफ बटा रहता है, एक तरफ परिवार की ओर भी ध्यान लगाना है, दूसरी ओर अपने प्रभु की सेवा या प्रभु के लिए जीवन जीने में। Now in Romans chapter 12 verses 1 and 2 हम जब रोमियो की पत्री में उसके 12 के 1 और 2 में हम देखते हैं, Paul gives us a strong attention to the fact why it is so important to offer oneself absolutely undivided. तो इन पदों में पौलुस इस बात पर बहुत जोर डालता है कि इस बात की आवश्यकता क्या है कि एक विश्वासी एक बिना बटे हुए बिना अपने ध्यान को भटकाए हुए संपूर्णता के साथ वो प्रभु की सेवा में अपने आप को दे। Let us recollect what this passage says. So उसमें हम एक बार अपने आप को स्मरण करें कि इसमें क्या लिखा है। Chapter 12, 1 Corinthians chapter 12, verses 1 and 2. रोमियो 12 उसका 1 और 2 उसमें इस प्रकार वो कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Here is instruction given to the church and the New Testament believers. यहाँ पर पौलुस कलीसिया को, नए नियम के कलीसिया और विश्वासियों को कुछ निर्देश देता है।
First of all, there should be a wholeheartedness devotion to the service of God. सबसे पहले प्रभु की सेवा करें तो पूरे मन से, बिना ध्यान भटकाए, पूरे दिल से इस सेवा में लगे रहें. And secondly, it is only then that we will be able to concentrate on people and their lives. और उसका कारण ये है, जो दूसरी बात है वो ये कि तभी ये संभव होगा कि पूरे तरह से ध्यान लगाते हुए परमेश्वर के लोगों के प्रति चिंता करते हुए सेवा कर सकते हैं. Now there are people who remains unmarried. आज के दिन भी कई लोग हैं जो विवाह नहीं करते हैं. How is he able to do it? वो कैसे ऐसे रह लेते हैं? Celibacy is a gift from God. ऐसे बिना किसी से जुड़े हुए रहना ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है. And if God has a specific assignment and a life for one particular person. और यदि परमेश्वर इस बात को चाहता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा वो अपने एक विशेष उद्देश्य को पूरा करना चाहे, He separates him. तो फिर वो परमेश्वर उस व्यक्ति को अलग करता है. And fill him with the very wonderful, strong, mighty anointing. और उस व्यक्ति को एक बहुत ही प्रभावशाली, सामर्थी अभिषेक से भर देता है. And he will be so busy in serving the Lord. You will have no time for family affairs. और वो अपने प्रभु की सेवा में इतने ध्यान लगाते हुए पूरे मन से वो सेवा करेगा कि उसके पास किसी और कार्य के लिए कोई समय नहीं रहेगा. Apostle Paul was given such a gift. पौलुस प्रेरित को ऐसा ही एक वरदान मिला था. And even today there are some, both among men and women, who choose to remain single in order to be able to serve the Lord effectively. और आज के दिन भी कई ऐसे पुरुष और स्त्री पाए जाते हैं जो इस बात का निर्णय करते हैं कि वे विवाह नहीं करेंगे ताकि वे पूरे मन से और पूरा ध्यान लगाते हुए वे अपने प्रभु की सेवा करेंगे. So these are the instructions given by the Apostle Paul, telling them how and why it is preferable to remain unmarried. तो ये कुछ निर्देश हैं जो पौलुस देता है इस बात को समझाते हुए कि कैसे और क्यों एक व्यक्ति का अकेला रहना अच्छा होगा. Listen, Paul is saying this to the unmarried people. देखिए, पौलुस इस बात को अविवाहित लोगों से कह रहा है. But how about then married people? तो यदि ऐसा है तो फिर जो विवाहित लोग हैं उनका क्या? He says, divorce is not permitted even in grace period. पौलुस इस बात पर जोर देता है कि अनुग्रह के समय में भी तलाक देना संभव नहीं है. So one couple must remain true to their promises to each other when they were married. इसीलिए एक वैवाहिक जोड़े को चाहिए कि वे अपने उन प्रतिज्ञाओं या शपथ के प्रति सच्चे रहें जो उन्होंने अपने विवाह के दिन एक दूसरे को दिए. But if one is chosen by God for a specific task in life which requires 100% devotion and undivided heart. लेकिन यदि परमेश्वर चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा वो अपने एक किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करे और वो भी पूरा 100% ध्यान देते हुए, And God also gives him grace to remain unmarried. तो फिर परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को वैसा अनुग्रह देता है कि वो अकेला रह सकता है and या रह सकती है. Celibacy for him is given by God as a gift. इसीलिए ऐसे व्यक्ति को विवाह ना करने इच्छा परमेश्वर की ओर से आती है. And then in chapter 7 of 1 Corinthians verses 36 to 40. So अब जब हम पहला कुरिन्थियों की 7 के 36 पद से आगे देखते हैं, Paul is winding up the whole teaching on this matter. तो फिर पौलुस धीरे-धीरे
इस विषय को समाप्ति पर ला रहा है. So let us look into this conclusion of Paul concerning this subject. तो फिर इस विषय पर जो पौलुस अब समाप्ति की ओर आ रहा है, आइए हम उसे देखें. So 1 Corinthians 7:36-40. तो पहला कुरिन्थियों उसका सातवां अध्याय 36 से 40 पद तक वहाँ पर इस प्रकार लिखा है. यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल रही है और आवश्यकता भी हो, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं है, वह उसका विवाह होने दे. परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको आवश्यकता ना हो वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो और अपने मन में ये बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा, वह अच्छा करता है. इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वो और भी अच्छा करता है. जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में. परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है. Yes. Now let us say, Paul is saying a few things in this chapter as he concludes the whole topic. और यहाँ पर विषय के समाप्ति की ओर जब वो बढ़ रहा है तो कुछ बातों को पौलुस सामने रख रहा है. So the number one thing he says is this. तो पहली बात जो वो रख रहा है वो ये है. Christian virgins are free to marry whether is a man or a woman. यदि एक विश्वासी पुरुष या स्त्री विवाह करना चाहते हैं तो उनको पूरी छूट है. If they are not called to be single. यदि उन्हें इस बात के लिए बुलाया ना गया हो कि वे अकेले रहें. In Paul's day, the father or the parents were responsible for the marriage of their children. पौलुस के दिनों में माँ बाप ही अपने बच्चों के विवाह की जिम्मेदारी को उठाते थे और निभाते थे. The reference to anyone in this verse is to the father. और जब पौलुस यहाँ पर शब्द का प्रयोग करता है कि कोई भी, तो फिर उस बात को समझा जाए कि वो पिता के लिए इस बात को कह रहा है. Or the parents of the one who desires to be married. या फिर जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके माँ बाप. So that is the first thing. तो पहली बात ये है. And the second point in this passage is. और इस पाठ में जो दूसरा बिंदु है वो ये. A believer who is called of God and given the discipline to control his passion should remain single. यदि एक विश्वासी को परमेश्वर की ओर से बुलाहट है कि वो अकेले रहे और वो अपने ऊपर अपने शरीर पर नियंत्रण रख सकता है तो वो अकेला ही रहे. And thus devoting himself or herself or their lives solely to serve the Lord. और इसके द्वारा वे अपने पूरे जीवन को प्रभु की सेवा के लिए पूरी तरह से अर्पित कर देते हैं. And number three. और तीसरी बात. The Christian parents who give the daughter or son to be married do well. पौलुस ये भी कहता है कि जो माँ बाप अपने पुत्र या पुत्री की विवाह कराना चाहते हैं वो भी अच्छा करते हैं. But the Christian parents who encourage their son or daughter to devote his or her whole life to the Lord do better. लेकिन ऐसे विश्वासी माँ बाप जो अपने बच्चों को, बेटा या बेटी को इस ओर प्रभावित करते हैं या उत्साहित करते हैं कि वे अपने जीवन को प्रभु के लिए अकेले में जिए, तो वो और अच्छा करते हैं. But please note, no parent should do this unless he knows for sure beyond question that the child is called of God. लेकिन कृपया इस बात को ध्यान में रखें,
कोई भी माँ बाप इस बात का दबाव अपने बच्चों पर ना डाले कि वो अकेले रहें, जब तक वो बच्चे स्वयं ही इस बात को एहसास ना करें कि परमेश्वर ने उन पर ये अनुग्रह उन्हें वो अनुग्रह दिया है कि वो अकेले रहें। He is only encouraging trouble for this child unless the child is truly called of God and anointed. क्योंकि जब तक उस बच्चे पर परमेश्वर का बुलाहट और अभिषेक ना हो तो माँ बाप का ऐसा सलाह देना बच्चों पर आपत्ति लाने के बराबर है। Both parents and the child should know for sure that he is called of God. दोनों माँ बाप और बच्चे को ये पूरा आश्वासन होना चाहिए कि उस बच्चे पर परमेश्वर की बुलाहट है अकेले रहने के लिए। Both the parents and the child must absolutely be sure of God's call. माँ बाप और बच्चे दोनों को इस बात का 100% आश्वासन होना चाहिए। And the fourth thing Paul is telling us in this paragraph. और अब जो चौथी बात पौलुस इस पाठ में कह रहा है वो ये, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर लाइफ। एक विवाह का जो रिश्ता है वो जीवन भर के लिए है। इट इज नॉट अ लिव इन एग्रीमेंट टुगेदर। ये ऐसा एक समझौता नहीं है जहां पर बिना विवाह किए एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ मिलकर रहें कुछ समय के लिए। Marriage is a lifelong calling. विवाह पूरे जीवन भर के लिए एक बुलाहट है। It is not something that can be thrown out any time we want. विवाह ऐसी चीज नहीं है कि जब चाहे उसे बंद कर दे या खत्म कर दिया जाए और किनारे कर दिया जाए। So the fifth point Paul's making is this. और इसीलिए जो पांचवी बात जो पौलुस सामने रखता वो ये, क्रिश्चियन विडो एंड विडोवर मस्ट कंसीडर टू थिंग्स। जो विश्वासी या मसीही विधवा जो हैं उन्हें दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर वन, पहली बात, इफ यू आर अ क्रिश्चियन यू मस्ट लुक एंड मैरी ओनली अनदर क्रिश्चियन। यदि आप एक मसीही विश्वासी हैं तो आपको चाहिए कि केवल एक विश्वासी या मसीही विश्वासी भाई या बहन से ही दोबारा शादी किया जाए। एंड सेकेंडली, और दूसरी बात, ही और शी इज हैप्पियर इफ रिमेन्स अनमैरिड सिंगल। ऐसा व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो अपने जीवन साथी को खो देने के बाद वो शेष समय अकेले रहे उसमें भलाई है। That person will be more blessed. वैसा व्यक्ति और धन्य होगा। So, let's be very clear about Paul's meaning and purpose. इसीलिए आइए हम पौलुस जिस अर्थ से इन बातों को रख रहा है उसे अच्छी तरह समझें। He is not insisting on celibacy. पौलुस इस बात पर जोर नहीं दे रहा है कि हर व्यक्ति बिना शादी किए ही रहे। He is only reminding them of principles to be considered in service for the Lord. पौलुस केवल उन सिद्धांतों को सामने रख रहा है यदि एक व्यक्ति प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को पूर्ण रीति से अर्पित करना चाहे। So what are the principles we can name? तो ये कौन से सिद्धांत हैं जो पौलुस सामने रख रहा है? Number one, wholeheartedness. पहली बात, पूरे मन से। With an undivided heart and attention. ऐसा मन और दिल जो बटा ना हो। Allowing no one or nothing to come between him and the Lord and his service. और अपने और प्रभु के बीच और प्रभु की सेवा के बीच किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को आने ना दे। The one and only purpose in life. जीवन का केवल एक ही मकसद is to please the Lord. वो है प्रभु को प्रसन्न करना। Not to please any human being. और ना कि किसी मनुष्य को प्रसन्न करना। Forget about satisfying oneself. और ये तो अलग बात है कि प्रश्न उठे कि अपने आप को किस तरह से
खुश रखें या संतुष्ट करें। नो, यू हैव टू डिनाई योरसेल्फ। नहीं, ऐसे में हमें अपने आप को त्याग देना है। सो दिस इज व्हाट अपोस्टल पॉल हैड टू टीच कंसर्निंग मैरिज एंड कंसर्निंग डिवोर्स एंड रीमैरिज एंड रिमेनिंग सिंगल्स and all these various aspects are dealt with and I hope you have enjoyed the study. to ye wo baatein hain jo paulus aapke aur mere samne rakhta hai vivah ko lekar akele rehne ko lekar dobara vivah ko lekar ya phir talaq ki baat ko lekar in baaton ko sikhate hue paulus parmeshwar ki ichcha ko hamare samne rakhta hai. god bless you all as you are benefited and you can even share these thoughts anyone who may wants you know ask you question concerning these things. main aasha karta hu ki in shikshaon se aapne bahut labh uthaya hoga aur aapke fayde ke liye ye shikshaen di gayi hain. yadi aap chahe to auron ko bhi aap ye shiksha de sakte hain ya yadi koi aapke samne kisi prakar ka prashn uthaye to fir aap is in baat aap unke ऐसे व्यक्ति को उत्तर देते हुए इन बातों के द्वारा आप उन्हें उत्तर दे सकते हैं. एंड नेक्स्ट वेनसडे वी बिगिन अ न्यू डिविजन. तो अगले सप्ताह हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे. डिविजन 5 ऑफ फर्स्ट कोरिंथियन. और वो पहला कुरिंथियों के पांचवें हिस्से को this, हम देखेंगे. दिस एंटायर डिविजन कवर्स 4 चैप्टर्स. और ये जो पांचवा हिस्सा है ये चार अध्यायों में पाए जाते हैं. एंड चैप्टर 8 to 11. आठवें अध्याय से ग्यारहवें अध्याय तक. आई मीन इन चैप्टर 11 ओनली वन वर्स इज इंक्लूडेड इन दिस बट दैट कवर्स वन सब्जेक्ट. वो ग्यारहवें अध्याय के केवल पहला पद है जो इस हिस्से में जुड़ा है, लेकिन आठ से 11 उसका पहले अध्याय पद तक अगला हिस्सा है जिस पर हम मनन करेंगे. Now, I hope more young people will attend this division. और मेरी आशा यह है और मेरी इच्छा यह है कि हमारे कलीसिया के और जवान इन अध्ययनों पर अपने आप को दें. बिकॉज इट डील्स विद द क्रिश्चियन एंड द क्वेश्चनेबल प्रेशर्स. क्योंकि ये अगला जो हिस्सा है ये उन बातों को संबोधित करता है जो एक मसीही विश्वासी के संदर्भ में है कि किस प्रकार के मनोरंजन वाली बातों में अपने आप को देना चाहिए. एंड ऑल्सो द क्वेश्चनेबल प्रेशर्स लाइक सोशल फंक्शंस एक्सेट्रा. और किस प्रकार से समाज में आम तौर पे पाए जाने वाले कार्यक्रम और चीज़ों को जब हम देखते हैं तो किस हद तक मसीही विश्वासियों को अपने आप को देना चाहिए. दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत जरूरी है. एंड सो प्रे दैट गॉड विल पुट अ डिजायर इन द हार्ट्स ऑफ पीपल यंग पीपल स्पेशली टू अटेंड दिस बाइबल. तो इसीलिए प्रार्थना करें कि इन बातों को समझने के लिए एक चाह और एक भूख हर एक में पाया जाए, विशेषकर हमारे अपने जवान बच्चों में. सो नेक्स्ट वेनसडे बिफोर यू कम प्लीज रीड चैप्टर 8. इसीलिए अगले सप्ताह इस अध्ययन में भाग लेने से पहले कृपया आठवें अध्याय को पढ़ लें. देयर आर ओनली 13 वर्सेस इन दिस. उसमें केवल 13 पद पाए जाते हैं. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको आशीष दे. फॉर एनीथिंग वी वांट टू अकम्प्लिश वी नीड द होली स्पिरिट. जो भी बातें हम हासिल करना चाहते हैं हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होना जरूरी Even है. इवन लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स द होली स्पिरिट्स मिनिस्ट्री ऑफ एनलाइटनिंग अस. यहां तक कि जो बातें हम सुनते हैं उन्हें समझना भी पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही संभव है. Blessed art thou, O Lord God Almighty. हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, धन्य हैं आप. And we bless your name. और हम आपके नाम को धन्य कहते हैं. And Lord, I pray for the Holy Spirit to come and fill us and anoint us. मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कि आपका पवित्र आत्मा हमें आके भरे और हमें अभिषिक्त करे. That we may be able to understand your word as you meant
it to be. ताकि हम आपके वचन को उस तरह समझने पाए जिस तरह आप चाहते हैं कि हम समझें. Thank you. धन्यवाद. In Jesus name. यीशु मसीह के नाम में. Amen. Amen. And God bless you all. प्रभु आप सबों को आशीष दें.